बोगो के साथ होगी फुल ऑन मस्ती सिर्फ बोगो यूट्यूब चैनल पर। ये एक बलून जिसमें मैंने ऑलरेडी हवा भर दी है, अभी मैं इसे लिक्विड नाइट्रोजन में डालता हूं तो देखते हैं क्या होता है। इट श्रंक बट वॉच, इट इन्फ्लेटेड इटसेल्फ अगेन। तो ये कैसे हुआ? जैसे ही मैंने बलून को लिक्विड नाइट्रोजन में डाला, इसकी अंदर की हवा ठंडी हो गई एंड इट कंडेंस्ड एंड द बलून डीफ्लेटेड। बट थोड़ी देर बाद जब ये बाहर आया तो इसकी अंदर की हवा रूम टेम्परेचर पर आ गई एंड देयरफॉर द बलून इन्फ्लेटेड। चलिए फॉर द नेक्स्ट थिंग। अब मैं इस लिक्विड नाइट्रोजन को इस ट्रे में डालता हूँ एंड उस पर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा तो देखते हैं क्या होता है। तो ये एक चॉकलेट संडे एंड अ शेक टू गो विद इट। नाउ फॉर द नेक्स्ट वन, ये है एक फिलामेंट। इस सिलेंडर में मैं लिक्विड नाइट्रोजन डाल दूंगा एंड फिर जब इस फिलामेंट को लिक्विड नाइट्रोजन में डालते हैं और इसकी इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब मैं इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करता हूं। Wow, it glows. अब मैं धीरे धीरे इसे ऊपर उठाता हूं। ये तो फ्यूज हो गया। बल्ब में प्रेजेंट आर्गन की तरह नाइट्रोजन भी एक इनर्ट गैस है विच डज नॉट रिएक्ट विद द फिलामेंट एंड दैट्स व्हाई इट ग्लोड। पर जैसे ही मैंने फिलामेंट को ऊपर लिया, हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन की वजह से द फिलामेंट बर्नड अप। नाउ फॉर आवर नेक्स्ट ट्रिक, इसमें मैंने बहुत ही गर्म पानी भर दिया है। अब मैं इसमें लिक्विड नाइट्रोजन डालूंगा तो देखते हैं क्या होता है। क्लाउड्स, ये एक टब। इस टब में हमने ऑलरेडी एक सोप वाटर सॉल्यूशन बना रखा है। अब मैं इसमें लिक्विड नाइट्रोजन डालूंगा तो देखते हैं क्या होता है। बबल्स, एंड दिस आल्सो लुक्स लाइक वोल्केनिक इरप्शंस from another planet. So while we are cooling off with liquid nitrogen, let me create some heat with another gas. ये है एक पानी का canister. अभी मैं थोड़ा सा ethanol लेकर इस test tube में डालता हूँ. मैं इसे अच्छी तरीके से शेक कर दूंगा। इसे ऐसे टैप करने से कहते हैं कि एथेनॉल गैस अच्छी तरीके से बन जाती है और जल्दी बन जाती है। पर इसका असली मजा तो डिम लाइट्स में ही दिखाई देगा। लाइट्स ऑफ प्लीज। अब मैं इसमें एक बर्निंग मैचस्टिक डाल दूंगा। लाइट्स ऑन प्लीज। तो ये क्या हुआ? एथेनॉल टर्न्स इनटू अ गैस एट रूम टेम्परेचर और जब ये हवा से मिक्स होता है तो देन इट बिकम्स इनफ्लेमेबल। जैसे ही मैंने इस कैनिस्टर में मैचस्टिक्स डाली, द एथेनॉल कॉट फायर एंड इट गेव अस अ ब्लूइश फ्लेम। और जब मैंने कैनिस्टर को कवर किया तो कैनिस्टर श्रिंक होने लगा। यहाँ पे हमने एक और फिनोमिनन देखा, प्रेशर। पर इसके बारे में मैं ब्रेक के बाद बात करूंगा। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग वॉलेटाइल गैसेस बिकॉज़ दे कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल वेरी फास्ट। बचपन से सुना है और सीखने की कोशिश भी की है कि यू शुड नेवर प्ले विथ फायर, बट क्रैश का तो एजुकेशन ही नहीं हुआ है। और ज्यादा फन के लिए करो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और प्रेस करो बेल आइकन।